बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फराज मलिक आज एक्सप्लोर विद सदाकत अली के एक चैनल के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करना चाह रहा था, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि एक जगह पाकिस्तान में हर जगह बहुत प्यारी है। वहीं उन प्यारी जगहों में से एक जगह है यहाँ पे एबटाबाद हरनोई। ये तकरीबन एबटाबाद से 8 से 9 किलोमीटर के फासले पे है, नथिया गली रोड पे। यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है, अगर आप घूमने फिरने आना चाह रहे हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त जगह है, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ का मौसम अभी अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए दूसरे रावलपिंडी या लाहौर इन शहरों से, तो यहाँ का मौसम कदरे ठंडा है और बड़े मज़े का ठंडा है। और यहाँ पे जो पानी है ये है बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है। यहाँ पे नहाना, इसे मुँह धोना, वो एक अलग सा ही आपको मज़ा आएगा। तो अभी मैं अपने दोस्तों को ये भी दिखाता हूँ साथ साथ। ये पीछे एक पुल है, अगर आप एक यहाँ पे दरमियान में से हर जगह पे हर पहाड़ के दरमियान से एक नहर गुजर रही है, और आप एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं तो आपको दरमियान में एक पुल वगैरह क्रॉस करने पड़ते हैं, या फिर आपको एक पहाड़ से उतर के नीचे नहर से नदी से गुजर के आगे जाना पड़ता है। तो एक बहुत ही यहाँ के रहने वाले तो खैर आदि हो चुके होते हैं इस चीज़ के चलने फिरने के, मगर जो नया बंदा आता है उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। अब ये पीछे मेरे एक देख सकते हैं एक बड़ा पुल लगा हुआ है, ये समझ लीजिए एक गांव को एक पहाड़ को दूसरे से मिला रहा है। अब ये जो आगे रास्ता जा रहा है सामने हरनोई में, ये जो आगे रास्ता जा रहा है ये जा रहा है नथिया गली, डूंगा गली, आगे फिर मरी के आगे दूर तक चला जाता है इस साइड से। और अगर आप इस साइड पर देखें तो ये ऊपर से रोड गुजर रही है, ये एक रोड गुजर रही है, ये आगे सीधा अहमदाबाद की तरफ जा रही है। और वो पीछे आप देख सकते हैं झूले वगैरह लगे हुए हैं, और उनको नदी वो भी कहते हैं। ये यहाँ से आगे इकट्ठा होकर पानी मुख्तलिफ नहरों चश्मों का आता है और यहाँ पे इकट्ठे होके फिर वो आगे जाता है। तो बहुत ही प्यारी जगह है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ विजिट करना चाहते हैं तो बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, वेदर के लिहाज से भी और जो खूबसूरती के लिहाज से भी। और मज़ीद इस किस्म की वीडियो देखने के लिए एक्सप्लोर विद सदाकत अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।